हे फूडीज, वेलकम टू वैदेशी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का मसाला जो डोसे में भरा जाता है। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें मैं डालती हूँ मूंगफली के कुछ दाने। इन्हें हम अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने घी तेल कुछ यूज़ नहीं किया है, मैं सही से रोस्ट कर लेंगे। ये भुन चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने 2 चम्मच तेल लिया कढ़ाई में, उसमें मैं जीरा डाल देती हूँ। ये लगभग 1.5 चम्मच जीरा है और मैंने थोड़ी सी काली राई ली है, 1/2 चम्मच। राई के चटकने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये मैंने कुछ प्याज लिया है, ये पूरा 1 प्याज है और ये मैंने मोटा मोटा काटा हुआ है और मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाला है, लगभग 3-4 कलियाँ। इसको हम आधा ही भूनेंगे। ये मैंने 1 हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बीच से काटा है और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काटा हुआ है। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं यूज़ करूँगी। ये मैंने 1 टमाटर लिया हुआ है, इसको डाल देते हैं। टमाटर गलने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि डोसे के मसाले में जो प्याज होता है वो बहुत ही मोटा कटा हुआ होता है। टमाटर जल्दी गल जाए इसके लिए मैंने इसमें नमक डाला हुआ है 1 चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक मिनट में हमारा टमाटर गल जाएगा। ये देखिए ये गल चुका है। हम इसे एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें आलू लेती हूँ। ये मैंने 4 उबले आलू लिए थे और ये देखिए हाथ से क्रश हो रहा है, इतने पतले आलू लिए हैं मैंने। इनका बिल्कुल भरता नहीं बनाया है, हल्के फुल्के हाथ से ही फोड़ लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नमक हम पहले ऐड कर चुके हैं। अब हम इसे कलछी की सहायता से ही फोड़ लेते हैं। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि उनका कलर पीला होता है। ये थोड़ी सी हींग, ये अजवाइन पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और भून लेते हैं। 1 मिनट में हमारा डोसा टाइप का मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये रेडी हो चुका है, इसमें अपनी मूंगफली के दाने डाल देते हैं। इन्हें मैंने क्रश कर लिया है। ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये लीजिए हमारा आलू का मसाला रेडी है। आप इसे अपने डोसे में भर के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। ये लीजिए, हमारा टेस्टी समोसा मसाला बिल्कुल रेडी है। इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।